बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं, बीएसपी में बड़ा फेर बदल हुआ है। आनंद कुमार को फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। भतीजे आकाश आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारी नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर दी गई है। आकाश आनंद पार्टी में अब दो नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे, यानी कि पार्टी की तरफ से अब दो कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक तो रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, दूसरी तरफ भतीजे आकाश आनंद को भी नेशनल कोऑर्डिनेशन का जिम्मा पार्टी में सौंपा गया है, मायावती ने सौंपा है। दानिश अली लोकसभा में बीएसपी संसदीय दल के नेता बनाए गए हैं। आनंद कुमार को फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीएसपी में ये बड़ी फेरबदल हुई है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीएसपी की अहम बैठक, और इस बैठक में बड़ी फेरबदल की गई है, जिसमें आकाश आनंद अब पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। हरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, उपचुनाव से पहले ये बड़ी फेरबदल, किस तरीके से देखा जाए इस फेरबदल को? देखिए बिल्कुल विद्या, इस बैठक से पहले इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि इस बैठक में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और ये बदलाव जो है संगठनात्मक बदलाव होगा, और जैसी उम्मीद जाहिर की जा रही थी वैसा ही फैसला यहाँ पे देखने को मिला है। पार्टी सुप्रीमो मायावती की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी जो है अपने भाई आनंद कुमार को दी गई है, उनको फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और जो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद, विधिवत रूप से पार्टी में उनकी शुरुआत हुई है, उनकी राजनीति में एंट्री हो गई है, और उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने दो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम थे उनको भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। तो कुल मिला के दो नेशनल कोऑर्डिनेटर जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी पार्टी के संगठन को, संगठन का विस्तार करने की, आकाश आनंद और रामजी गौतम, ये दोनों नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाएगा। और जो भाई हैं जो आनंद कुमार फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाएंगे, तो सीधे तौर पर रणनीतिक तौर पर एक बड़ा बदलाव जो पार्टी के अंदर कहा जाएगा। और ये बड़ा बदलाव इस बात को लेकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि यूपी से बाहर जो जो अन्य राज्य हैं जहां पर बीएसपी की यूनिट है, उनमें तमाम जो बदलाव किए जाने, तो पार्टी का जो विस्तार किया जाना था, राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बीएसपी की जो पहचान है उसको सही तरीके से सही मायने में स्थापित करने की जो तमाम जो कोशिश और कवायद पार्टी सुप्रीमो की तरफ से की जा रही थी, अब उसको मूर्त रूप देने की कोशिश करते हुए फैसले, अहम फैसले लिए हैं। इसके अलावा संसदीय दल के नेता की अगर बात की जाए तो बसपा के जो अमरोहा के सांसद है कुंवर दानिश अली, उनको लोकसभा में संसदीय दल का नेता चुना गया, और इसके अलावा जो जौनपुर के सांसद हैं श्याम सिंह यादव, उनको उपनेता संसदीय दल का चुना गया लोकसभा में। तो एक अहम जो जो जानकारी इस बैठक के बाद निकल के सामने आ रही है वो यही है कि और संगठन में जिस तरह से विस्तार की बात कही जा रही थी और नीतिगत फैसले लेने की जो बात थी वो इस बैठक में देखने को मिली। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से यूपी में आने वाले दिनों में विधानसभा के उपचुनाव में उनकी तैयारियों को लेकर संगठन में जो बदलाव किया जाना था, उत्तर प्रदेश से बाहर जो विस्तार किया जाना था, वो कितना कारगर साबित हो पाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए हरेंद्र आपका।